आज हम बनाएंगे गाजर मटर की बहुत ही यूनिक और हेल्दी सी रेसिपी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वेलकम टू स्वाद के साथ, मैं पूनम। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी सी मटर और एक गाजर के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी। ग्राम से देखेंगे तो 100 ग्राम मटर और 100 ग्राम गाजर। तो बस गाजर को अच्छी तरीके से मलमल के धो लेंगे, फिर छील लेंगे। छीलने के बाद छोटे छोटे पीस में काट लेंगे और यहाँ पे मटर को भी हम छीन लेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और आज हम बना रहे हैं बिना गर्म मसाले या हल्दी के सब्जी। तो यहाँ पे एक कप मटर लेंगे और एक कप गाजर। तो गाजर को हमने छोटा छोटा पीस में काट लिया था, एक हरी मिर्ची और 4 चम्मच लेंगे हम हरा प्याज और 2 चम्मच हमने लिया है लहसुन। तो यहाँ पे हमने हरा लहसुन हरी प्याज लिया है। तो अगर आप इसमें से हरा लहसुन या प्याज नहीं खाते तो ना डालें। तो बस हमने गैस ऑन कर दिया, कढ़ाई रख दी है। 2 चम्मच डालेंगे यहाँ पे हम सरसों का तेल। तेल जैसे गर्म हो जाता है इसमें हम डालेंगे जीरा। तो यहाँ पे हमने लिया 1/2 चम्मच जीरा। तेल गर्म हो जाने के बाद ही डालें, गैस को स्लो कर दें। साथ ही डालेंगे 2 पिंच हींग। हींग डालने के बाद डालेंगे 1 हरी मिर्ची, तीखा आप अपने पसंद के कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस सबको हम 30 सेकेंड तक अच्छे तरीके से पका लेंगे। जीरा को अच्छी तरीके से पका लें और पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे मटर। मटर डालेंगे, सबको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और अभी हम डालेंगे गाजर। तो गाजर को भी हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। बस यहाँ पे आज ना हल्दी गरम मसाला कुछ भी नहीं डालने वाले, फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी हमारे बनने वाली है। बस सबको अच्छे तरीके से मिला लें और ढक करके रख दें, गैस को स्लो कर दें। तो 5 मिनट तक हमें इसी तरीके से पकाना है ढक करके। और ये देखिए 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। फिर से हम अच्छे तरीके से सब्जी को अच्छे तरीके से मिला देंगे। बहुत ही कम समय में झटपट बनके तैयार हो जाती है सब्जी। और इसमें अभी हम डालेंगे हरा प्याज। तो यहाँ हमने 4 चम्मच लिया है और 2 चम्मच हरा लहसुन। आज हम मटर और गाजर की जो सब्जी बना रहे हैं ना, यकीन माने बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली। बस सबको अच्छे तरीके से मिला देंगे और अभी इसमें डालेंगे हम नमक। तो यहाँ पर हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। हमेशा खाने में आप इस चीज़ का ध्यान दें कि सेंधा नमक ही डालें। तो बस सबको अच्छे तरीके से मिला देंगे। फिर से हम ढककर पकाएंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। जैसे हमने पहले पकाया था ना 5 मिनट के लिए ढक के, वैसे ही अभी हम ढक करके पकाएंगे। गैस को स्लो कर दें और 5 मिनट तक पकने दें। और ये देखिए 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारी सब्जी अच्छी तरीके से लगभग बन गई है। फिर भी आप एक बार अच्छे से गाजर और मटर को चेक कर लें दबा करके। तो गाजर हमारी अच्छी तरीके से पक गई है और मटर को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मटर भी हमारे अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो बस ये लीजिए हमारी स्वादिष्ट हेल्दी मटर और गाजर की सब्जी बनकर के तैयार है। ठंड के मौसम में गाजर और मटर बहुत ही बढ़िया मिलती है, बहुत ही स्वादिष्ट मिलती है। तो आप इस तरीके से गाजर मटर की सब्जी बनाए खाएं और खिलाएं। यकीन मानिए एक बार आप बनाएंगे ना तो बार बार बना के खाना पसंद करें। रेसिपी पसंद आती हो तो उसे शेयर करना ना भूलें। चले मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।